फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शशि की रेसिपी। और फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं नमकीन। मैंने बहुत बार वीडियो इसका बना के डाला है अपने चैनल पे, लेकिन मैं अलग तरीके का नमकीन बना बताऊंगी। मसूर की दाल, चने की दाल, बेसन की सेव और कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल के मैं अच्छे से आपको नमकीन बनाना सिखाऊंगी, जिसे आप महीने भर तक खा सकें। फ्रेंड्स, सही चलते हमारे किचन में। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेसन की सेव बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने ये आधा किलो बेसन लिया है और इसमें मैं कुछ नहीं डालूँगी, केवल नमक डालिए आप स्वादानुसार। एक चम्मच में नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें फ्रेंड्स, ये देखिए। और एक चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ये देखिए, तीखे के अनुसार आप डालें अपने बेसन में। और फ्रेंड्स, मैं एक छोटी चम्मच ये तेल डालूंगी, ये देखिए फ्रेंड्स, और इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। और एक नरम डो बनाते हैं फ्रेंड्स। नरम डो बेहद ज़रूरी है बनाना, क्योंकि हमको इस मशीन से पतले सेव निकालने हैं। अगर टाइट होगा तो इससे निकलेगा नहीं, इसीलिए हम नरम डो बनाते हैं फ्रेंड्स। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे धीरे धीरे बनाते हैं, जल्दबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा गीला हो गया तब भी नहीं बनेंगे और ज़्यादा टाइट हो गया तब भी नहीं बनेंगे। समय थोड़ा थोड़ा पानी डाल के धीरे धीरे इसे एक नरम मुलायम डो बनाते हैं। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का होना चाहिए हमारा डो, नरम और ना ही ज़्यादा टाइट, मीडियम साइज़ का। और आइए, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ग्रीस कर लेती हूँ तेल से। ग्रीस करने के बाद इसको मैं चम्मच से भरूँगी इसके अंदर इस तरह। इस तरह इसको भर देंगे, थोड़ा सा टैप कर देंगे और फिर से भरेंगे। ये इस तरह, और इसको भर के आराम से पतले पतले अच्छे सेव बना सकते हैं फ्रेंड्स। इसको लॉक कर देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है फ्रेंड्स, और आइए डालते हैं इसको सेव इसके अंदर। और फ्रेंड्स, तेल को अच्छे से गर्म करें। और ये बहुत जल्द पक जाते हैं फ्रेंड्स, आराम से, इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। अब इनको तुरंत पलट दें, ये पतले सेव हैं और बहुत ही जल्द पक जाते हैं फ्रेंड्स। और इनको, ये पक चुके हैं हमारे, और इनको आइए प्लेट में निकाल लेते हैं। कितने अच्छे हमारे सेव बने हुए हैं, पतले पतले, ये देखिए। इस तरह फ्रेंड्स देखिए, आप बना लें पतले, कुछ मोटे, जिस तरह के आपको पसंद हो। इसमें तो हर तरह की डिजाइन मिलती है आपको फ्रेंड्स इस मशीन में, तो आप इसी तरह बना लें। और इन्हें लाल नहीं करना फ्रेंड्स, बस इनके बबल्स ख़त्म हो जाएं और निकाल लेना है। आइए इसी तरह सारे बना लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमारे पक चुके हैं और इनको बाहर निकाल लेते हैं, ये देखिए। और आइए इसी तरह बना लेते हैं फ्रेंड्स सारे बेसन के सेव बना के, आपसे मिलते हैं फिर। सो फ्रेंड्स, हमारे ये बेसन के सेव बन चुके हैं, मैंने पतले भी बनाए हैं, मोटे भी बनाए हैं। और आइए बनाते हैं मूंगफली, थोड़ी सी भूनते हैं तेल में फ्रेंड्स। मूंगफली को भी थोड़ा भून लेते हैं, ये हमारी कच्ची मूंगफली है, और इनको इस तरह डाल के भून लेते हैं।
ये भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारे मूंगफली के दाने देखिए अच्छे से चटक चुके हैं और क्रिस्पी हो चुके हैं। आइए इन्हें निकाल लेते हैं। आइए फ्रेंड्स डालते हैं कढ़ाई में एक चम्मच देसी घी, बस इतना, और इसे गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स अपने थोड़े से काजू और बादाम डाल लें ड्राई फ्रूट्स, ये नमकीन में डालने के लिए मैं इसे देसी घी में भून रही हूँ। ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स देखिए हमारे थोड़े थोड़े ये बादाम और काजू चटक रहे हैं। और इसी स्टेज में डालते हैं थोड़ी सी किशमिश, इसको भी देसी घी में थोड़ा सा भून लेते हैं। काजू बादाम और किशमिश हमारी अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। ये देखिए देसी घी में भून चुकी है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। और आइए इसी घी में डालते हैं हम थोड़े से मखाने, ये इसको भी रोस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हो चुके हैं फ्रेंड्स, ये भी रोस्ट हो चुके हैं और इनको भी प्लेट में निकाल लेते हैं। मखाने हमारे फ्रेंड्स अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं और आइए इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हमारे नमकीन में जाने के लिए तैयार हैं। और आइए बनाते हैं, फ्राई करते हैं चने की दाल और मसूर की दाल। सो फ्रेंड्स ये काली मसूर की दाल है और ये चने की दाल है। मैंने इनको ओवरनाइट सोक करके रखा था और सुबह इसका पानी निकाल के एक घंटे धूप में रख दिया से, तो सो फ्रेंड्स इसका पानी एकदम से सूख गया है। ये देखिए कैसे पता करें कि इसका पानी सूख गया है, ये देखिए हाथों में बिल्कुल पानी नहीं है। ये देखिए ये भी दाल हमारी इसी तरह सूख गई है, हाथों में बिल्कुल पानी नहीं है। अब ये तलने के लिए तैयार है फ्रेंड्स, और आइए तलते हैं। तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। सो फ्रेंड्स हमारा तेल अच्छे से गर्म है और इसी गर्म तेल में थोड़ी थोड़ी डालें फ्रेंड्स, क्योंकि ये तेल उछलेगा और आप जल सकते हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए अच्छे से पक रही है दाल, और जब इसको ब्राउन नहीं करना फ्रेंड्स बिल्कुल भी, ये पक जाएगी तो अपने आप ही ऊपर आ जाएगी। और फिर इसको निकालते हैं पकने पर, दो मिनट लगेंगे इसको पकने में। फ्रेंड्स देखिए दाल हमारी ऊपर आ गई है, बबल्स भी कम हो गए हैं, और इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए इनको ब्राउन बिल्कुल नहीं करना फ्रेंड्स, ब्राउन हो जाएगी तो टाइट हो जाएगी ये दाल। और तेल अपना गर्म ही रखें, तेल बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। इसको निकाल लेते हैं, एक प्लेट में रख लेते हैं, तो इसी में सारा तेल निचड़ जाएगा फ्रेंड्स। और आप चाहें घी में बनाएं, मैं तेल में बना रही हूँ। अभी मैं आपको मसूर की दाल भी डाल के दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स इसको भी उसी तरह पकाना है, ये पक जाएगी तो ऊपर अपने आप आ जाएगी। फ्रेंड्स देखिए ये भी ऊपर आ चुकी है, ये भी हमारी दाल पक चुकी है। ये देखिए इसी तरह सारी दालें हम तलते हैं और तल के फिर मिलते हैं आपको। इसी तरह इसको भी निकाल लेते हैं, बस कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है फ्रेंड्स। ये बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाती है, एकदम मुलायम नमकीन बनेगी आपकी। कौन कहता है कि नमकीन हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, आप हेल्थ के तरीके से बनाएंगे तो हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेगी। और वैसे भी हम लोग रोज़ रोज़ थोड़ी ना नमकीन खाते हैं, कभी कभी खाते हैं वो भी घर पर बना के। ये देखिए फ्रेंड्स ये भी निकल चुकी है, इसी तरह ही मिलते हैं, इसको भी प्लेट में रख देते हैं। फ्रेंड्स आइए देखिए हमारी ये सारी दालें फ्राई हो चुकी हैं।
और आइए इसको सभी नमकीन को मिला के एक बड़े से बर्तन में मसाले मिलाते हैं। सबसे पहले डालते हैं हम चने की दाल, और फिर डालते हैं ये मसूर की दाल। फ्रेंड्स अच्छी वाली मसूर की दाल लीजिएगा, क्योंकि अच्छी वाली अच्छे से क्रिस्पी फ्राई होती है। और आइए इसमें मिलाते हैं मसाले। मैंने ये मसाला मिक्सी में पेस्ट पीस लिया है, और इसमें हमने मिलाया है काला नमक, सफ़ेद नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च, चाट मसाला, जीरा पाउडर, ये सारी चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। और इसको आइए इसमें डालते हैं। स्वादानुसार जितना आप लोग को पसंद हो, अपने क्वांटिटी के हिसाब से जितना आप बना रहे हो उस हिसाब से डालिएगा। फ्रेंड्स मैं 2 चम्मच डालूंगी, ये देखिए, इससे हमारी नमकीन और चटपटी और टेस्टी लगेगी खाने में। इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए। आइए सभी और भी मिक्स कर लेते हैं, जो हमने सेव बनाए थे भी मिक्स कर लेते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। ये सेव और मूँगफली हमने मिक्स की थी, फ्राई की थी, और ये ताल मखाने और ड्राई फ्रूट्स, ये देखिए फ्रेंड्स, सारी नमकीन हमारी मिक्स हो चुकी है, मिल चुकी है। और इसको अच्छे से मिक्स करके आइए इसको एक अच्छी सी प्लेट में आपको सर्व करके दिखाते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स हमारी नमकीन बन के तैयार हो चुकी है, ये हेल्दी भी है, और मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाले हैं। और इसको आप एक एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रखें और महीनों तक इसे इंजॉय करें फ्रेंड्स। सो वीडियो को लाइक करें और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।